देने के 20 रुपए लेता है बस। ये सारे बैट्स हैं ये क्या? तो आगे मैं नौरा फतेह बना दूँ विद अ व्यू। पूरा एंटर कर लिया है हमने। चलो भाई तो सो रहा है, ये भी सो रहा है, ये सो रहा है। और भाई फाइनली एंटर हो गए हैं हम उदयपुर में। टाइम हो रहा है सुबह के 7:40 और उदयपुर की शुरुआत हो चुकी है। ये सो रहा है मस्त। उदयपुर आए और यहाँ की कचौड़ी ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाश्ते में तो अब सब कोई कचौड़ी की दुकान ढूंढ रहे हैं और कोई स्पेशल कचौड़ी की दुकान ढूंढ रहे हैं। शक्ल बता दीजिए, बता दो। शक्ल दादी कचौड़ी खाते हैं। प्याज कचौड़ी वाला है फेमस। फेमस नाम बता दो, मैं गूगल कर लूं। गूगल कर लेगा। मिनारा गेस्ट हाउस चले हैं। हैं मिनारा गेस्ट हाउस लिखो सेक्टर 4 में। क्या नाम है? मिनारा। मिनारा गेस्ट हाउस मिनारा ठीक है। में ये जो बीच में इतने ऊपर उसके चढ़ जाओ फेमस है भैया। बेस बना रहा वही कचौड़ी, एक कचौड़ी के 20 रुपए लेता है बस। हाँ मात्र 20 रुपए सबसे महंगी कचौड़ी उसी की। अच्छा उदयपुर की। गाड़ी देख के बोलो भैया, सबसे महंगी कचौड़ी 20 रुपए की है। हमारा दिल्ली तो लूटता है ऐसा लगता है, यहाँ की फेमस होके भी 20 रुपए की है। तो ये है यहाँ का फेमस कचौड़ी स्पॉट। गाड़ी ऑन करके इसे सोता हुआ छोड़ रहे हैं। मैं एक भी जगह रास्ते में नहीं उतर पाई क्योंकि ये सो ही रहा था। जब ये उठा तब हम कहीं रुके नहीं और फिर ये दोबारा सो गया, फिर हम रुके। तीन जगह रुके हैं हम और मैं एक भी शूट नहीं कर पाई, एक भी नहीं देख पाई। तो अब ये सो रहा है, हम देखते रहेंगे। गाड़ी ऑन कर दी, एसी चला दिया और हम यहाँ तब तक कचौड़ी खाएँ। क्या चाहिए भाई? अच्छी है। प्याज है। बच्चे इतनी दूर से उदयपुर सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग पूल के लिए आए हैं। वो तो सामने ही था हमारे। वो तो हमारे घर के बिल्कुल सामने हमारे था। कुछ नहीं, हम उनको एक दूसरे से 20,000 है भैया, आज कोई नहीं आएगा हमारे अलावा। सही बात है, वो भी पैसा बच जाता। यहाँ 20 भी नहीं लेते वो और आराम से नहाते, पूरा दिन नहाते। हम इतनी दूर आए हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ दोनों को ही सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग पूल का है बस यही। तो कल की जो पूरी रात थी, हम लोग वहाँ से जब चेकआउट किया, मतलब वहाँ से जब हम निकले, तो पूरी रात हम लोग गाड़ी में ही रहे। रात के 10:15 हम बैठ गए थे और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं सुबह के 8:30। पूरी रात आशु सर ने ड्राइव किया उस शांग सर पर। हम लोग तो फिर भी झपकियाँ ले रहे थे पीछे बैठ के, लेकिन उन्होंने दोनों ने बिल्कुल नहीं सोए। तो अब हम यहाँ रिजॉर्ट पहुँच गए हैं हमारे उदयपुर में और बस वहीं अब हम चेकिंग करने लगे। ये इनका रिसेप्शन एरिया है। और सर आपको कैसे लगा पूरी रात गाड़ी चला के? बढ़िया, मजा आया। मजा आया, नींद आई? आई एक बार आई, फिर हम रुक गए और थोड़ा सा झपकी ले ली मैंने 5-10 मिनट के लिए, मतलब चलती गाड़ी में नहीं, गाड़ी रुक के। लेकिन हाँ अच्छा था, पहला फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इतना लंबा गाड़ी चलाने का, बट अच्छा रहा। तो चलिए अब मैं आपको कराती हूँ हमारा रूम टूर। ये है हमारा रूम, मतलब ऐसे सेम हमने
दो रूम्स लिए हैं, सेम टू सेम है। तो मैं आपको एक में तो सब पसर गए हैं, मैं आपको दूसरा दिखा देती हूँ। एंड ये पूरा ड्रेसिंग एरिया हो गया, ये वॉशरूम हो गया। वाह यार, ऐसी जगहें आके ना बहुत ऑथेंटिक, बहुत वैसा फील होता है। तो आशु सर रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पूरी रात मतलब ट्रैवल किया और उन्होंने ही गाड़ी चलाई, तो इसीलिए वो अब अपना रूम में रेस्ट कर रहे हैं। मम्मी भी बहुत थक गई थी क्योंकि बैठे रहना पड़ता है यार, तो वो भी रेस्ट कर रही हैं। बाकी हम सब, मैं, भाभी, अदा, कियान, भैया, हम सब पूल में आए हैं धूप में। तो भाई बहुत मज़ा आया, बहुत। अभी तो बाहर आने का मन ही नहीं था हमारा स्विमिंग पूल से, लेकिन हम आ गए हैं और कियान तो रेडी भी हो गया है। आज तो किनू बैटमैन बना है किनू, बट दिखाओ। अब बस मैं रेडी होंगी, भाभी अदा रेडी होंगे। तो हो गए हैं हम सब रेडी, अब हम निकल रहे हैं एक्सप्लोर करने थोड़ा उदयपुर को। एंड पहले तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों ने तो बिल्कुल कुछ नहीं खाया। हमने तो कचौड़ियाँ फिर भी खा ली थी, लेकिन अदा की आने तो बिल्कुल कुछ नहीं। बहुत टेस्टी है, बहुत चिली तो होनी चाहिए। मतलब सब कुछ ही बहुत, मतलब पहाड़ों वाली मैगी जैसी होती है ना वैसी। अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस की तरफ, सवार हो गए हैं हम अपनी धनों पे। और ये हमें मिल गए हैं सिटी पैलेस म्यूजियम के पासेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे मैं आता हूँ भाई, प्लीज बाहर आता हूँ। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं और सब इनको जानते हैं। नथिंग न्यू फॉर यू गाइस, बट मीट एंड ग्रीट यहाँ होने वाला है। अनप्लान मीट एंड ग्रीट होगा यहाँ पे पक्का। ये सारे बैट्स हैं, ये चमकादड़। ओह माय गॉड, वैसे जिस जगह पे हम आए हुए हैं वहाँ किसी का भी आना अलाउड नहीं है। ये हमें किसी की जान पहचान से, हमारे साले साहब की, हाँ, तो VIP टिकट्स मिली है, जिसकी वजह से हम इस जगह को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं इंटरनली। वैसे ये ऑर्डिनरी लाइक आना अलाउड बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। गए थे किसी क्रिस्टल म्यूजियम में, जहाँ सारी क्रिस्टल की चीज़ें थी, एंड उन्होंने हमारा फ़ोन जो था वो रख लिया था, बिकॉज ऑफ विच मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन एवरीथिंग वाज जस्ट एपिक, यूनिक एंड ऑथेंटिक। मतलब क्या क्या संभाल के रखा हुआ है 150 सालों से, हम यहाँ एक महीने की क्रॉकरी नहीं संभाल पाते भाई, मस्त। और अब मैं आपको हॉल दिखाती हूँ, हमने बहुत मूवीज़ में देखा है जहाँ सभा होती है, दीवानी मस्तानी और ये सब, आई थिंक यहाँ सारा होता है। और जैसे कि मैंने अपने SST में पढ़ाया भी हुआ है, ये जो ऊपर की सारी स्पेसेस होती हैं, हमने पढ़ा है ना यूरोप चैप्टर में भी पढ़ा है, जो भी मेरे बच्चे हैं 10th के 9th के वो जानते हैं, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा है कि जो भी ऊपर की चीज़ें होती हैं वो सारी विजिटर गैलरी की तरह होती है। यहाँ पे विमेन को बैठाया, ऊपर का म्यूजियम आपको कैसा लगा? अरे जोरदार, मतलब ऐसे नहीं लगा कि जैसे बड़े मामा के पास सेम ऐसे ही क्रॉकरी थी। मेरे मुंह में ये बात थी सच में, हमारे बड़े मामा थे, मतलब हमारी मम्मी के ब्रदर, जिनकी अभी लास्ट
हाँ ईयर डेथ हुई है, एंड वो बहुत 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 फॉन्ड ऑफ थे एंटीक क्रॉकरी के, तो मतलब सेम उनके पास कितनी सारी चीजें थी जो इनमें से थी उनके पास ऑलरेडी, ऐसी पेंटिंग्स, ऐसी क्रॉकरी क्रिस्टल्स की सारी उनके पास, यहाँ तक कि हुक्का तक उनके पास। हाँ जैसा यहाँ पे हमने देखा है, 150 साल पुरानी चीजें, तो वो भी बहुत मतलब सीरियसली उनकी तो आज याद ही आ गई। और ये यहाँ का वॉशरूम है, ओह माय गॉड मम्मी, ये वॉशरूम है मम्मी, नहीं नहीं जाओ अंदर नहीं आ रही। और ये जगह देख के हमें पूरी भूल भुलैया की याद आ गई, हमें एग्जिट ही नहीं मिल रहा। ये है ना, यहाँ के टूरिस्ट गाइड भी जानते हैं, बताओ भाई। पैलेस पूरा हम घूम चुके हैं, पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही गर्मी थी, और कियान भी थक चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। एक बताइए और दो आपने बुराई बताई है। अच्छा था, बड़ा था, बहुत बहुत गर्मी थी, नहीं गर्मी की वजह से बस थोड़ा सा, और मैंने हील्स पहनी हुई थी, पानी अभी और हमें मिल नहीं रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, तेरा पेट ज्यादा है, इसमें काम कितना करेगा। चुप, बिल्कुल होते ही अब हम करेंगे बोटिंग पिचोला लेक पे, जो कि हमारे आपको वीडियोस वगैरह में दिखी है, बिल्कुल सिटी पैलेस के सामने। तो सब हो गए हैं रेडी, लाइफ जैकेट पहन के, मैं भी हो गई रेडी। तो यही है वो सिटी पैलेस जहाँ से हम हो के आए हैं जस्ट। क्या क्या न्यूटन जी के थर्ड लॉ, तो अब हमने बोटिंग भी कर ली है और अब हम जा रहे हैं करनी माता के मंदिर, जिसे जाया जब कवर किया जाता है उस रास्ते को ट्रॉली से, तो हम ट्रॉली में बैठ के सारे जाएंगे उसमें, मजा आएगा, होपफुली मजा ही आए। ट्रॉली से जाना है अब, बस हमारा नंबर आने वाला है। तो ये आ गई है हमारी सवारी, येलो या ग्रीन, बीच में नहीं बैठूंगी, हम बैठेंगे येलो में। हम आए तो यहाँ मंदिर के लिए थे, लेकिन अदा को भूख लग गई तो हम कुछ खाने लगे। मंदिर जाना है ऊपर चढ़ के, भाई कितने मैग्नेट्स लोगे यार, मुझे कलेक्शन का शौक है मैग्नेट्स के, तुझे पता क्या, तू बता यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ना लोग घर बना के जाते हैं ताकि उनके घर बन जाए, पत्थर से घर बना दो, हाँ तो उनका घर बन जाएगा, तो अगर मैं नौरा फतेही बना दूँ, नौरा फतेही बन जाएगी है, तो ये आ गया है वो मंदिर कालका जी का, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है आई गेस कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी, बट आने का रास्ता सब बहुत ब्यूटीफुल था। चलो भाई किनू की थार आ गई, नू आपकी थार आ गई, छोटी है आपको बड़ी चाहिए, अब हम जा रहे हैं वापस।
छोटे थे 1 2 3 नीचे देखो काउंटिंग को छोड़ दो ना, मजा आया लेकिन इधर है ना, बहुत ज्यादा मजा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो जी अब हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ और फिर देखते हैं क्या करेंगे, अभी तो रिजॉर्ट चल रहे हैं। ओके तो भैया हम आके थोड़ा सा तैयार व्यार हुए अगेन और अब बज रहे हैं 8:40 और हमें यहाँ पे किसी ने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट रेकमेंड किया है तो अब हम वहाँ जा रहे हैं सारे रेडी होके, वहीं निकल रहे हैं और वहाँ पे हमारी कार नहीं जा सकती क्योंकि थोड़ी बड़ी है अब, तो इसीलिए हम यहाँ से ऑटो बुक कर रहे हैं एंड देन हम लोग वहाँ जाएंगे। तो आ गई है हमारी सवारी। और ये रीज़न है कि हम अपनी कार से नहीं आ पाए भैया के बदौलत। तो दिस प्लेस इज ओल्ड उदयपुर सिटी और यहाँ गलियाँ बहुत छोटी हैं जिसकी वजह से, जैसे कि आशीष सर ने कहा हम अपनी गाड़ी नहीं लेके आते थे, इनकी हिम्मत है जो ये लेके आए हैं, आगे फंसे ही मिलेंगे, हिम्मत हिम्मत निकल जाएगी अभी इनकी, कह रहे हैं हमारे भैया। आगे एक और गली आएगी जहाँ पे वो और पतली है, तो आई डोंट नो इनको किसी ने सलाह नहीं दी, हमें तो अच्छी सलाह दे दी थी। तो ये आ गया है हमारा रेस्टोरेंट और जैसे कि कहा गया था बहुत अच्छा है, तो बाहर से तो लग ही रहा है कि बहुत बहुत अच्छा है। लेट्स सी बाकी अंदर जाते हैं। This is the entrance and the restaurant area. Kyan is feeling sleepy अभी, इसलिए वो गोदियों में चढ़ा हुआ है। But what is this? अच्छा something like चौकीदानी वाली फील सी आ रही है। ये अमित हवेली है ये एक्चुअल में। Function हो रहा था हमने कहा यहाँ। जयपुर में हम गए थे ना चौकीदानी। चौकीदानी। ये क्या? Actually यहाँ पर rooms वगैरह भी available हैं। हाँ वही जैसे चौकीदानी में था जयपुर में भी। ये है रेस्टोरेंट, हाँ ये लेक साइड है, वाओ लुक एट दैट यार, आना तो वाकई सफल हो गया यार, माय गॉड वेटिंग है यार, इतने लोग हैं। तो ये वेटिंग एरिया है यहाँ पे क्योंकि अभी सीट्स नहीं है और ये यहाँ पंजा लड़ा रहे हैं। ओ क्या जीत गया, जीत गया। तो फाइनली इस लेक व्यू वाले डिनर करने के लिए हमने 1 घंटा वेट किया, 1 घंटे से हम लोग वहीं बैठे हुए थे पार्क में, बच्चे खेल रहे थे और इस जगह के लिए हमने 1 घंटा वेट किया और अब हम खाने के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ जी भाई क्या हाल है, वेट करना हमारा सफल हुआ है, आप लोगों का कैसा है? बहुत बढ़िया, एक्चुअली इनका अलग है हमारा अलग है समझ जाएंगे, बट जेन्युइनली टेस्ट बहुत अच्छा, वो गार्लिक नान बहुत अच्छा टेस्ट है, बाकी बहुत बहुत अच्छा विद अ व्यू। तो कियान बिल्कुल भी तंदूर की रोटी पसंद नहीं करता, उसे तवा रोटी पसंद है और यहाँ के मेन्यू में तवा रोटी थी ही नहीं, मैंने उनसे एक बार पूछा, उन्होंने कहा नहीं है तवा रोटी, लेकिन फिर अचानक वो तवा रोटी बना के लेके आए इसके लिए स्पेशली, कोई यहाँ पे नहीं बनाता ना इनके मेन्यू में, बट इसके लिए वो लेके आए, सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है।
तो भाई यहाँ तो लाइट चली गई है अचानक, हम जा ही रहे थे वो आ गई है, आ भी गई है, आ भी गई है। बैठे बैठे सो यार। तो भाई वहां से हम आ गए थे और रास्ते में एक यान सो गया था, तो इसलिए मैंने आते ही उसको सुला दिया है। एंड हमने भी अब चेंज कर लिया है, अब हम भी सो जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये डे टू ऑफ दिस ट्रैवल सीरीज होता है ख़त्म। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी आज का ख़त्म होता है। डे टू सॉरी डे थ्री मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। इस ब्लॉग में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी हमारे साथ, वो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।